हेलो एवरीवन, वेलकम टू खानापंती। कल इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है और इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए हमने बनाया है तिरंगा सैंडविच। इस सैंडविच में हमने 3 इंटरनेशनल फ्लेवर्स यूज किए हैं। जो हमारा पहला एलिमेंट है दैट इज कोल स्लो, इट वाज ओरिजिनेटेड इन नेदरलैंड्स और ये बनता था बटर और विनेगर से, लेकिन इंटरनेशनली अब इसमें मेयोनेज ऐड होता है। हमारा जो सेकेंड एलिमेंट है दैट इज हुम्मस, इट कम्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन। ये बेसिकली छोलों से बनता है एंड इट इज अ वेरी गुड डिप एंड इट इज अ गुड अकम्पनीमेंट फॉर फलाफल एंड पीटा ब्रेड। एंड आवर थर्ड एलिमेंट इज पेस्टो, इट कम्स फ्रॉम इटली एंड इट इज यूज्ड टू मेक पास्ता एंड एज अ डिप। तो ये तीनों जो फ्लेवर्स है ये अपने आप में इतने अमेजिंग है, तो हमने सोचा व्हाई नॉट लेट्स ब्रिंग इट टुगेदर एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। तो आज का हमारा थीम है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमारा ऐसा मानना है कि वर्ल्ड इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट फूड, विच शुड बेसिकली ब्रिंग पीपल टुगेदर। आज इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले हुए काफ़ी साल हो चुके हैं एंड इंडिया हैज मेड इट्स मार्क ऑन द इंटरनेशनल मैप। इंडिया हैज एम्ब्रेस दीज डिफरेंट कल्चर्स एंड फूड ब्यूटिफुली। सो फॉर अस इंडिपेंडेंस इज बेसिकली फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम वेयर यू कैन लिव, हाउ यू कैन लिव, व्हाट यू कैन वेयर, व्हाट यू कैन ईट। तो इसी इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और डाइवर्सिटी को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं खानापंती में। सो गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड प्लीज 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 डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू खानापंती। वी रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन दीज अमेजिंग रेसिपीज। हमारे सैंडविच का पहला लेयर होगा कोल्सलो से, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप ग्रेटेड कैरेट्स, 1/4 कप ग्रेटेड कैबेज, 1/3 कप मेयोनेज और सॉल्ट एंड पेपर एज पर टेस्ट। ट्रेडिशनली कोल्सलो में कैबेज ज़्यादा यूज होता है, पर हमें इसे ऑरेंज बनाना था इसके लिए हम कैरेट्स यूज कर रहे हैं। कोल्सलो इज रेडी, अब हम बनाएंगे हुम्मस। हुम्मस के लिए हमें चाहिए 1/4 कप तहीनी पेस्ट। अगर आपके पास तहीनी पेस्ट नहीं है तो आप रोस्टेड सेसमी सीड्स की भी पेस्ट बना सकते हैं। 1/4 कप लेमन जूस, इन दोनों को हम 30-40 सेकेंड्स के लिए अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 गार्लिक पॉड्स, 1.5 कप उबले हुए छोले, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हमें बाद में भी धीरे धीरे करके ऐड करना होगा। सॉल्ट एज पर टेस्ट। इसे हम अब एक मिक्सर में पल्स कर देंगे। अब हम इसमें 2-3 चम्मच पानी ऐड करेंगे। और 2-3 चम्मच ऑलिव ऑयल। इसे हम ग्राइंड करते रहेंगे जब तक कि हमें क्रीमी कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। हुम्मस इज रेडी। ये जाएगा हमारे सैंडविच के दूसरे लेयर में। अब हम 3rd लेयर के लिए बनाएंगे पेस्टो, जिसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप ऑलिव ऑयल, 4 कप स्पिनच। ट्रेडिशनली पेस्टो बनता है बेसिल लीव्स और पाइन नट से, लेकिन हमने स्पिनच एंड वॉलनट्स का यूज़ किया है जो कि इजीली हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप वॉलनट्स, 3 से 4 गार्लिक पॉड्स, 1/4 कप पार्मेसान चीज, 1/2 छोटा चम्मच नींबू का जूस। सॉल्ट एज पर टेस्ट।
इसे हम तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक हमें क्रीमी कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। पेस्टो इज रेडी। अब हम सैंडविच को असेंबल करेंगे तिरंगा के सीक्वेंस में। ये सारे डिप्स आप इंडिविजुअली भी ट्राई कर सकते हैं। कोल्सलो कैन मेक एनी सैंडविच और अ बर्गर इंटरेस्टिंग। हुम्मुस को आप रोटी या पराठे में स्प्रेड करके रोल करके भी खा सकते हैं। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं एंड इट इज हाई इन प्रोटीन। और पेस्टो को आप पास्ता में या तो चिकन मैरिनेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। होप आपको हमारी रेसिपीज पसंद आई हो। आप जरूर ट्राई करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू खाना पंती एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। सी यू नेक्स्ट टाइम। भूल गई ऐसे मेरे शक्ल पे लिखा है। साइलेंस। ओके लास्ट हाँ फिर से भूल गई। एंड हमने सोचा है कि ये तीनों को साथ में एक्सपेरिमेंट किया तो हमने सोचा लेट्स एक्सपेरिमेंट। हेलो एवरीवन, वापस हेलो एवरीवन। फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है क्या? स्पीच दिया है पर बोली जा रही है। वही वही कितना बोलेगी और उसमें मैं आ ओह गुडनेस मैं गलत बोल रही हूँ। रेडी है ना तू? हमारा अभी मेरी बारी। हाँ थ्री टू वन क्यों बोल रहे हैं? हमको खाने को 3-2-1 नहीं चाहिए। हमारा तिरंगा सैंडविच, इंटरनेशनल तिरंगा सैंडविच।